हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू एम डिफेंस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल रात के बज चुके हैं और हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार सेशन के भाई साथ भाई साहब जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार एम्बाइब बचीव डिफेंस पर हाय आजम हाय धनंजय हाय राधिका सब लोग फटाफट जुड़ जाइए उत्कर्ष सभी का स्वागत है जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ना शुरू हो जाए ताकि भाई क्लास को हम शुरू कर सकें आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेशन जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स आज है 12 दिसंबर 2022 तो आप जानते हैं ये 2022 भी धीरे धीरे खत्म की ओर बढ़ रहा है और पिछला काफ़ी समय हमारे लिए काफ़ी अच्छा नहीं रहा है 2020 के न्यू ईयर से आ, 2020 के न्यू ईयर से आप कह सकते हैं कि कोविड की जकड़ में हम लगातार फंसे हुए हैं 2020 पूरा निकला 2021 पूरा कोविड में निकला 2022 भी ऑलमोस्ट कोविड में निकला उम्मीद करते हैं कि 2023 हमारे लिए कुछ ना कुछ नया लेके आएगा और इस कोविड महामारी से हमें दूर करेगा तो करेंट अफेयर्स बेटा इसको पढ़ते रहिए क्योंकि यहाँ से आपको गारंटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलने हैं और करेंट अफेयर्स बेटा इतना इम्पोर्टेंट है कि वो आपके एग्ज़ाम में इतना रोल प्ले करता है कि आपको एग्ज़ाम में पास करा सकता है या आपको एग्ज़ाम में फेल करा सकता है इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप टी की तैयारी कर रहे हैं सी ए पी एफ़ की तैयारी कर रहे हैं एन डी ए की तैयारी कर रहे हैं यू पी एस सी सिविल सर्विस की कर रहे हैं स्टेट पी सी एस कर रहे हैं स्टेट के कोई भी एग्जाम्स दे रहे हैं एस एस सी है एफ कैट है या आप कोई भी एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो भी करंट अफ़ेयर्स पढ़िए ज़रूर क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ने से आप देश के एक इंफॉर्म्ड नागरिक ज़रूर बनते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन को शुरू करते हैं तो डेली बताता हूँ एक मिनट फिर लूंगा बता दूँ आपको बच्चे पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स का यूनिवर्स कितना बड़ा है मतलब हमें कितने महीने की करंट अफेयर्स करनी चाहिए तो भाई सिंपल फंडा है कि करंट अफेयर्स बेटा इसका जो यूनिवर्स है वो बारह महीने का है आज से अगर तीन साल पहले मैं चला जाऊं तो ये यूनिवर्स पंद्रह से अट्ठारह महीने हुआ करता था मतलब पहले करंट अफेयर्स पंद्रह महीने से अट्ठारह महीने तक का भी पूछा जाता था लेकिन अभी देखा गया है कि करंट अफेयर्स 12 महीने में ही पूछा जा रहा है और उसमें से जो लास्ट के सिक्स मंथ्स हैं मतलब एग्जाम से पहले के जो छह महीने हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है साठ परसेंट क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं और बाकी के जो चालीस परसेंट क्वेश्चन हैं वो लेटर हाफ से आ रहे हैं तो साठ शुरुआत के छः महीने से और चालीस बाद के छः महीने से लेकिन अब आप कहोगे सर हम तो सिर्फ शुरुआत के छः महीने करके जाएंगे तो भी फायदा नहीं होगा क्योंकि आप उससे जो हैं सिर्फ साठ परसेंट ही कर पाएंगे ठीक है क्या बात है अमित सिसोदिया सर आ गए हैं बहुत बढ़िया और आप जानते हैं कि भाई हमारा जो जो डिफेंस चैनल पे हमारे एट एम और एट पी एम दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन्स हैं सुबह आठ बजे हमारा डॉक्टर अमित सिसोदिया का आप सब जानते हैं कि क्या होता है डॉक्टर अमित सिसोदिया का सुबह आठ बजे वो कैब लीडर होता है जहाँ पर वो की सीढ़ियाँ चढ़ना अमित सिसोदिया सर आपको सिखाते हैं और रात में आठ बजे करंट अफेयर्स होता है जहां करंट अफेयर्स की सीढ़ियां चढ़ना मैं आपको सिखाता हूं ठीक है हाउ इज द जोश जोश इज ऑलवेज हाई अमित सर तो अमित सर जो है घर बैठे जो है उनको चैन नहीं आ रहा और यहाँ पे क्लास में आकर इंटरसेप्ट कर रहे हैं बहुत बढ़िया चलिए वेदांत त्रिवेदी फटाफट जुड़ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा सबसे पहले हम प्रीवियस क्लास का रिवीजन करते हैं अब फ्राइडे को जो हमने पढ़ाई की थी जरा देख लें कि आपने क्या किया है क्योंकि सैटरडे संडे के करंट अफेयर्स और मंडे के आज मैंने इंक्लूड कर रखे हैं तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि फ्राइडे वाला आप लोगों ने पूरा किया या नहीं किया पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2022 हजार बाईस इज कंडक्टेड इन द वॉटर्स ऑफ विच कंट्री आपको बताया था उसी दिन इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू दो हजार बाईस कहाँ पर हुआ है जिसमें हमारे भारत से भी तीन शिप्स में हिस्सा लिया है आपको उसी दिन पढ़ाया था जल्दी बताइएगा हाँ जी बहुत बढ़िया ये आपका कॉक्स बाजार बांग्लादेश में हो रहा है बहुत ही फेमस कॉक्स बाजार सिटी के बारे में आपने सुना होगा बांग्लादेश इज द राइट आंसर आई एल ओज एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल मीटिंग वॉज रिसेंटली हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मलेशिया सिंगापुर इंडिया या चाइना तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग अभी हुई थी कहाँ पर जल्दी बताइएगा तो एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग अभी रिसेंटली हुई थी कहाँ पर बिल्कुल सही है सारे लोगों ने सही जवाब दिया है सिंगापुर जहाँ पर काफी सारी डिबेट्स हुई और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लेबर रूल्स को लेकर के काफ़ी यहाँ बात हुई भारत के कुछ लेबर लॉस को यहाँ पर क्रिटिसाइज भी हालांकि किया गया कि जिस तरह से भारत में एक इनसिक्योरिटी है प्राइवेट सेक्टर में उसको लेकर बात किया गया नाइन्थ वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 रिसेंटली हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तो नवा वर्ल्ड आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंस कहां हुआ है वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस कहां हुई है जल्दी बताइए उसे दिन बताया भाई आयुर्वेद भारत का ज्ञान है और आयुर्वेदिक कांग्रेस गोवा में हुई है बिल्कुल सही जवाब ए इज द राइट आंसर विच ऑफ़ द फॉलोइंग बिकेम India's फर्स्ट पेमेंट गेट वे टू सपोर्ट क्रेडिट on ऑन यू बेटा ये मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था और मैंने बताया था कि अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स को अगर यू से ले आओगे तो इससे फायदा क्या है कि भाई देखो इमरजेंसी पे क्रेडिट कार्ड्स काम आते हैं लेकिन दूसरी साइड क्रेडिट कार्ड आपको जो है उधार में जीवन बिताने की आदत भी डलवाते हैं इनकी ये भी खासियत होती है रेजर पे ने किया है और एच बैंक के साथ आप जानते हैं ये टाइप हुआ है तो एच बैंक के साथ टाइप भी हुआ है पंजाब नेशनल बैंक भी है यूनियन बैंक भी है और इंडियन बैंक भी है इन ऑर्डर टू गेट द ऑफ अ नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी द क्राइटेरिया एंड मेड अ प्रेजेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेट्स ड्यूटी दिल्ली पंजाब गोवा गुजरात दिल्ली हिमाचल पंजाब गुजरात दिल्ली पंजाब यूपी गुजरात दिल्ली पंजाब हिमाचल उत्तर प्रदेश आपको मालूम है ये एक बहुत बड़ा कारनामा हुआ है अभी रिसेंटली हमारे देश में और आम आदमी पार्टी जो है वो हमारे देश में नेशनल पार्टी घोषित कर दी गई है तो काफी इंपॉर्टेंट है सो तो दिल्ली पंजाब गोवा एंड गुजरात बिल्कुल सही है आम आदमी पार्टी लेड बाय मिस्टर अरविंद केजरीवाल ए इज द राइट आंसर तो आज के करंट अफेयर्स की ओर अब हम बढ़ते हैं तो आज के करंट अफेयर्स पर सबसे पहले नजर डालते हैं और आज की हेडलाइंस पर जो कि लेकर आई हैं मेरी सहयोगी एमबी इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल के उनतालीसवे एडिशन की हुई शुरुआत 19 दिसंबर तक चलेगा ये कॉर्पेट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को मिला नया ट्राइसोनिक विंड टनल इसरो ने पहले ब्लो डाउन का किया सफल परीक्षण तीन हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स को किया गया आई रेड लिस्ट में शामिल लुप्त होने वाले इन स्पीसीज को कंजर्वेशन प्रोवाइड करने का है उद्देश्य सीएम एम के स्टालिन ने लॉन्च किया तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन अपना क्लाइमेट मिशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना तमिलनाडु भारत को मिला पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म केरल के सीएम पिनारी विजय ने अलुआ के सीट फार्म को किया डिक्लेयर हेलो वेलकम बैक तो हेडलाइंस सबने देख ली होंगी और आज की करंट अफेयर्स को हम शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने एम वाइफ की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाकर एम वाइफ की ऐप को डाउनलोड जरूर करें क्योंकि आप भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यह आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है इसको आप एंड्रॉयड के प्ले स्टोर और आईओ स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं आप चाहें तो अपने डाउट्स डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है चेक कर आउट, आ, चेक करना बिल्कुल मत ठीक है तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं तो एक बार सारे लोग बेटा सेशन को लाइक बटन जरूर दबा दीजिए क्योंकि होता क्या है कि मैं आपको नहीं देख सकता आप मुझे जरूर देख सकते हैं लेकिन अब मुझे क्या मालूम कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है क्या मुझे क्लास में कुछ बदलाव करना है या नहीं करना है तो ऐसे मुझे मालूम चलता है कि अगर आपने यह बटन दबाया तो मुझे मालूम चलता है कि सब कुछ बढ़िया है और यह बटन दबाया तो मुझे मालूम चलता है कि मुझे क्लास में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है आइए शुरू करते हैं सबसे पहली खबर पर नजर डालते हैं सबसे पहली कैटेगरी हमारी आ रही है बेटा डिफेंस और थर्टी नाइन इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल क्या बात है बहुत बढ़िया तो होता क्या है कि इंडियन नेवी आ जाइए शानू सिंह बहुत बहुत स्वागत है कन्ना सिंह आ जाइए राधे राधे सभी का बहुत बहुत स्वागत है देखो बेटा हमारी इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी इंडोनेशिया के बारे में आप लोग को बेटा मालूम ही होगा एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है इंडोनेशिया तो भारत और इंडोनेशिया के काफी अच्छे रिश्ते भी हैं आप कभी इंडोनेशिया जाएंगे तो आपको एहसास होगा भारत से कितने अच्छे रिश्ते हैं आपको पासपोर्ट की जरूरत होती है आपको वीजा भी नहीं लगवाना होता है तो इंडोनेशिया आप जो है बिना वीजा के भी जा सकते हैं वीजा ऑन अराइवल भी नहीं है वीजा ही नहीं होता है ठप्पा लगाते हैं कहते हैं तीस दिन में घूम के चले आना एनी <laughs> तो इंडिया और इंडोनेशियन नेवी के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है कॉरपैट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे जरूर चेकआउट करिएगा तो थर्टी एडिशन अब आप सोच सकते हैं कितना पुरानी एक्सरसाइज है उनतालीसवां एडिशन है ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जिसे आईएनडी इंडो कॉरपैट के नाम से जाना जाता है बिटवीन द इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी इज being कंडक्टेड फ्रॉम 8 से 19 दिसंबर ठीक है तो 8 से 19 दिसंबर के बीच हो रही है इस एक्सरसाइज का नाम है आई एन डी इंडो तो आई एन डी का मतलब होता है इंडिया और इंडो का मतलब होता है इंडोनेशिया एक्सरसाइज का नाम है बच्चों कॉरपैट और इसका थर्टी नाइन्थ एडिशन चल रहा है इंडियन नेवी से कौन से शिप ने इसमें हिस्सा लिया है तो इंडियन नेवी की जो शिप है जिसका नाम है आई एन एस उसने हिस्सा लिया है एंड इंडिजिनियसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट पार्टिसिपेटेड इन द प्री डिप्लॉयमेंट ब्रीफिंग एट बेलावान इन इंडोनेशिया तो ये कहां पर हो रही है एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज हो रही है बेटा इंडोनेशिया में एक जगह है जिसका नाम है बेलावान वहां पर हो रही है और इंडियन नेवी का आई एन एस इसमें हिस्सा ले रहा है जो कि एक मिसाइल कॉर्वेट है अब आप पूछोगे सर एक कॉर्वेट क्या होता है तो जो स्मॉल वॉरशिप्स होती हैं छोटी वॉरशिप्स होती हैं उन्हें बेटा हम क्या कहते हैं उन्हें हम कॉर्वेट के हाँ नाम से जानते हैं ठीक है तो ये छोटी वॉरशिप्स होती हैं बड़ी वॉरशिप्स नहीं है छोटी वॉरशिप्स हैं उन्हें कॉर्वेट कहते हैं और ये कहां पे हो रहा है बिलावन इंडोनेशिया में ठीक है अब यहां पर समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है द कॉरपैट विल बी एग्जीक्यूटेड अलोंग द इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन फ्रॉम 15 से 16 दिसंबर 2022 एंड विल कंक्लूड विद डी डी ब्रीफ एट पोर्ट ब्लेयर ठीक है तो इसकी जो ब्रीफिंग होगी वो पोर्ट ब्लेयर में आकर होगी अलोंग विद अलॉन्ग विमुक एल फिफ्टी एट बिल्ड लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी वेसल एंड डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द दॉरपैट तो देखिएगा यहां पर क्या क्या है तो सबसे पहली चीज यहां पर है बच्चों कि हमारा आई एन कारमुख ने हिस्सा लिया है एल फिफ्टी एट जो कि इंडिजिन बिल्ड लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी वेसल है जहां पर एयरक्राफ्ट लैंड हो सकते हैं और डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है आपने इसके बारे में सुना होगा डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो होते हैं ये सर्विलेंस एयरक्राफ्ट हैं जो नेवी द्वारा इस्तेमाल होते हैं ठीक है के आर आई कट न्यान डीन पटुमोरियन क्लास कॉर्वेट रिप्रेजेंट द इंडोनेशियन साइट तो इंडोनेशियन साइट से यहां पर जो शिप आया है उसका नाम है के आर आई कट न्यान डीन कैप्टियन पट्टीमुरा क्लास कॉर्वेट ठीक है समझिएगा तो यहां पर देख सकते हैं द इंडियन नेवी हैजिन प्रोएक्टिवलीं इन द इंडियन ओशियन रीजन टू टाइटन मेरी टाइम सिक्योरिटी कीपिंग इन लाइन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सागर जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन तो आप जानते ही बेटा इसके पीछे रीजन क्या है तो रीजन ये है कि जो हमारा ड्रैगन है जिसे हम चाइना कहते हैं वो साउथ चाइना सी में काफी बवाला मचा रहा है और उसके काफी सारे डिस्प्यूट्स हैं खासतौर से वियतनाम से इंडोनेशियन से इन लोगों से काफी सारे उसके जो हैं डिस्प्यूट्स हैं तो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी उन्होंने एक स्कीम शुरू करी इसका नाम है सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन तो वहां पर भारत का कमिटमेंट है कि इस क्षेत्र में खासतौर से इंडो पैसिफिक वाले में हम दुनिया को जो है सबको आगे बढ़ने का मौका देंगे तो ये इंडोनेशिया के साथ एक्सरसाइज है कॉरपैट जो कि बेलावान इंडोनेशिया में की जा रही है बहुत बढ़िया ठीक है अब यहां पर देख सकते हैं ये एक्सरसाइज बेटा सन 2002 से चल रही है ठीक है और ये साल में दो बार होती है ट्वाइस इन अ ईयर तो साल में दो बार होती है और 2002 से चल रही है विद द एम ऑफ कीपिंग दिस वाइटल पार्ट ऑफ आईओआर सेफ एंड सिक्योर फॉर कमर्शियल शिपिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड कंडक्टिट मेरी एक्सरसाइज दो हजार दो से हो रही है हर साल दो बार होती है और यह उनतालीसवाजन है और इसका जो मेन एम है वो ये है इंडियन ओशियन का रीजन है जिसे आईओ आर कहते हैं इसको सेफ बनाना ठीक है तो इसको बेटा क्या करना है हमें सेफ बनाना है सर आई रिसेंटली वॉच योर थ्री बैक वीडियो ऑफ जीएसर सुपर से मुझे बहुत कुछ हेल्प मिली है एफ की तैयारी करने के लिए थैंक यू अरे क्या बात बहुत बहुत शुक्रिया सैनी साहब जो भी हैं आप डी एच सैनी बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे कमेंट्स जो होते हैं वो हमें बहुत ताकत देते हैं बहुत मोटिवेशन देते हैं थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया बस मैं आपसे ये कहूँगा कि पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ठीक है और जी एस के भी क्लासेज मेरी जल्दी ही शुरू हो रही हैं तो टेंशन ना लीजिएगा ठीक है चलिए अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों से पढ़ते हैं अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं देखते हैं आज कौन सही जवाब देता है भारत से कौन सा देश समुद्री रास्ते से सबसे कम डिस्टेंस पर है कौन सा देश है जिसका डिस्टेंस भारत से समुद्री रास्ते में सबसे कम है देखते हैं कौन बताता है मुझे मालूम है 99% परसेंट लोग गलत जवाब देने वाले हैं। ठीक है चीके? हाँ जी कौन सा देश है जो समुद्री रास्ते से भारत से सबसे करीब पड़ता है जल्दी बताइए समुद्री रास्ते से सबसे करीब देश भारत से कौन है बता सकता है कोई विच इज द कंट्री विच इज नियरेस्ट टू इंडिया इफ यू ट्रेवल बाई सी सर श्रीलंका बहुत अच्छा जवाब आंसर इसका श्रीलंका नहीं है इसका आंसर श्रीलंका नहीं है सब श्रीलंका दे रहे हैं मुझे मालूम है इसका जवाब मैं कल दूंगा ठीक है बेटा इसका जवाब कल दूंगा ठीक है और इसका आंसर पोर्चुगल नेपाल अरे समुन्दर से नेपाल कहाँ चले जाओगे आजम रजा हमारे यूपी से लोग साइकिल से जाते हैं नेपाल ठीक है शैलेष यादव तो सबसे करीब देश हमारे भारत से कौन सा पड़ता है अभी बताऊं कि कल बताऊं? चलो बताओ लोगों को लगता है कि भाई आंसर जो है ये होना चाहिए जो है चलिए कल बताऊंगा भी नहीं थोड़ा सा थोड़ा सा वो होना चाहिए चलिए आगे ओ हो 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 भाई साहब कान 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 जो है ना अपने खड़े कर लो कान खड़े कर लो ठीक है हाँ कान खड़े कर लो क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है राइट right, यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा एनवायरमेंट जहां बात एनवायरमेंट की आ जाए कान खड़े कर लिया करो भाई साहब क्योंकि एनवायरमेंट हमारे यूपीएससी को बहुत सर अभी वरना रात भर नींद नहीं आएगी अच्छी बात है मैं आपको कल बताऊंगा इसका आंसर पहले सोचो कि कौन सा देश सबसे करीब हो सकता है और ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं सन दो में मैं यूपीएससी सिविल सर्विस का पेपर लिख रहा था और ये पूछा गया था और बहुत लोगों ने इसका आंसर गलत लिखा था आई का पेपर मैं लिख रहा था दो की बात है और बहुत सारे लोगों ने इसका गलत जवाब दिया था ठीक है बताएंगे थ्री हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स एंटर आई यू सी एन रेड लिस्ट भाई साहब क्या बात है हाँ जी अब आई यू सी एन इसका मतलब क्या होता है बेटा ठीक है समझो आई यू सी एन इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में आपने सुना होगा यह एक ग्रुप है बेटा जो क्या करता है यह बताता है यह बताता है कि दुनिया में कौन से ऐसे प्लांट्स हैं कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी कंजर्वेशन की जरूरत है किनकी कंजर्वेशन मतलब इनकी जो मात्रा है वो कम हो रही है और इसीलिए इसे कंजर्व करने की जरूरत है तो हिमालय के तीन प्लांट्स वो भी ऐसे प्लांट्स जो कि मेडिसिनल यूज अच्छा शानू सिंह क्लास के अंत में बताऊंगा ठीक है अभी पढ़ लो भाई पढ़ लो क्लास के अंत तक तो पढ़ लो फिर बता दूंगा ठीक है हाँ जी आई लिस्ट में शामिल किए गए हैं ठीक है अब समझिएगा मेडिसिनल प्लांट इन अ रिसेंट असेसमेंट थ्री मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज फाउंड इन द हैव बीन एडेड टू द आई रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज प्रोवाइडिंग देम कंजर्वेशन स्टेटस क्या बात है तो आई यू सी एन के अंदर जो चीजें आती है ना बेटा हाँ जी बता देंगे टेंशन ना लो आई यू सी एन के अंदर जो चीजें आती हैं उनको कहा जाता है कि इनको कंजर्वेशन की आवश्यकता है ठीक है अब समझिएगा तो तीन स्पीशीज कौन सी हैं? ये देखिएगा माइजोट्रोप्सिस पेलिटा तो ये सबसे पहला है इसका नाम है माइजोट्रोपिस पेलिटा। आप भाई साहब यूपीएससी कैसे पूछेगा रिसेंटली हियर्ड इन न्यूज माइजोट्रोपिस पेलिटा क्या है अब आप पूछोगे सर ये क्या बोलता है भाई आदमी आपको लगेगा यूपीएससी को लगता है कुछ भी होता है ठीक है तो नाम पढ़ लो बेटा माइजोट्रोपिस पेलिटा। इसे रखा गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखो बच्चों कई सारी लिस्ट होती हैं जैसे कि सबसे पहले आता है लिस्ट जिसका नाम होता है एल जिसे कहते जिसे हैं लीस्ट कंसर्न जैसे हमारे मोहल्लों में कुत्ते बिल्ली होते हैं वो क्या है एल सी है एल का मतलब होता है बेटा इनकी जरूरत नहीं संरक्षण ये बहुत ज्यादा है ठीक है ये एल होते हैं लीस्ट कंसर्न फिर आता है एन जिसे कहते हैं नियर थ्रेटेंड ये भी कम है ठीक है मतलब इनकी जरूरत नहीं है संरक्षण की फिर आता है बेटा वलनरेबल मतलब कि ये खतरे की घंटी में आ रहे हैं फिर आता है बेटा एंडेंजर्ड मतलब ये खतरे में हैं। फिर आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब बहुत खतरे में हैं। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमारी चिड़िया जो है उसके बाद आता है कि एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड मतलब ये चीजें वाइल्ड से गायब हो गई हैं पिंजड़े उंजड़े में कहीं चिड़िया घर में रखी हो तो बात अलग है और उसके बाद आता है ई EX, एक्स मतलब एक्सटिंक्ट जैसे एक हाथी हुआ करता था इसका नाम था मैमथ सुना होगा आपने भाई साहब एक एक कमरे के बराबर उसके दांत होते थे वो क्या हो गया एक्सटिंक्ट हो चुका ठीक है तो यहां पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड दिया गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब भैया इसका संरक्षण अनिवार्य है ठीक है तो नाम है माइजोट्रोपिस पेलिटा उसके बाद है फ्लिट, फ्रिटी, लेरिया सिरहोसा As vulnerable. तो दूसरे नंबर पे देखिएगा नाम है फ्रिटिलेरिया इसे दिया गया है vulnerable. और तीसरे नंबर पे आता है, यहां पर देख सकते हैं तो तीन ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं भाई साहब ऐसे वैसे नाम हैं, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको तो माइस्ट्रोप्रेसिस पेलीटा फ्रिटेलिया और डाइकिलोरिजा टरिया ये तीन जो है प्लांट्स हैं इनको जो है आई ने रेड लिस्ट में शामिल कर लिया है क्लियर है बच्चों अब समझिएगा अब हिमालयन रीजन यहां पर बात करते हैं द हिमालयन रीजन स्प्रेड अक्रॉस नेपाल इंडिया चाइना सिक्किम अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ठीक है डिफॉरेस्टेशन हैबिटेट लॉस फॉरेस्ट फायर इलीगल ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज अब कारण क्या है कि ये क्यों खराब हो रहे हैं बेटा रीजन समझो बेटा दुनिया भर में क्या हो रहा है डिफॉरेस्टेशन अगर बिल्डर्स का भरोसा भर, बस चले वैसे बस चलता नहीं है लेकिन अगर बिल्डर्स का बस चले तो दुनिया में भाई साहब कोई जगह बचे ना जहां वो बिल्डिंग ना बना दें जहां बच्चे रात शाम को जो है ना खेलते हैं उसे भी काट के जो है भाई साहब वहां बिल्डिंग बना दें वो तो होता क्या है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है हैबिटेट लॉस हो रहा है उसके बाद फॉरेस्ट में आग जो है इतनी कॉमन हो गई आजकल आप लोग देख रहे होंगे इलीगल ट्रेड है क्लाइमेट चेंज है इन सब के कारण से जो है ये बेटा जो पेड़ है ये कम हो रहे हैं प्लांट्स ठीक है अब यहां पर देखिएगा माइस्ट्रोपिस पेलिटा इट इज अ कॉमनली नोन एज पटवा अ पेरिनियल श्रब विद अ रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज एंडेमिक टू उत्तराखंड तो यहां पर पहला जो है माइस्ट्रोपिस पेलिटा जिसे पटवा के नाम से जाना जाता है यह बेसिकली उत्तराखंड में आपको मिलेगा थ्रिटालिया सिरहोसा ये देखेगा इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स एंड निमोनिया तो बेसिकली जो पल्मोनरी डिजीज है उसमें यह काम आता है ठीक है बच्चों और तीसरा जो है डैक्टिरोजा हेटग्रिया इट इज एक्सट्रीमली यूज इन आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी एंड अदर सिस्टम मेडिसिन टू क्योर डिसेंट्री गैस्ट्राइटिस क्रॉनिक फीवर कफ एंड स्टमक एचेस तो आपको मालूम है कि हमारे देश में बेटा मेडिसिनल प्लांट्स की बड़ी वैल्यू रही है क्लियर है तो ये तीन हमारे हो गए दो खबरें हो गई सबको समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर बताइएगा ठीक है जल्दी बताओ क्लियर है फास्ट एवरीवन थोड़ा जल्दी जवाब दो और सेशन को एक बार सारे लोग लाइक और शेयर जरूर करें लाइक और शेयर ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट साइंस एंड टेक क्या बात है बहुत बढ़िया विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर गेट्स अ न्यू ट्राइसोनिक विंड टनल क्या बात है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर सब लोग जानते होंगे हमारे देश में फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई जिन्होंने हमारे देश में एक सपना देखा 15 अगस्त 1969 को भारत के बैंगलोर में इसरो की शुरुआत की गई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको विक्रम साराभाई साहब ने ही शुरू किया था तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि त्रिवेंद्रम में है वहां पर एक नया विंड टनल आया है अब आप पूछेंगे सर ये क्या होता है The new trisonic wind tunnel at Vikram Sarabhai Space Centre was inaugurated recently by conducting the first blow down test successfully. The massive structure, which can perform tests in three speed regimes, equips the Indian Space Research Organisation with a robust in house support system for space missions. For the country as a whole, it is a big step towards self reliance in the aerospace sector, the VSSC says. तो विक्रम सारा स्पेस सेंटर ने यह विंड टनल क्यों बनाया है विंड टनल बेसिकली जो है बेटा इस्तेमाल होता है आपके जो है एरोडाइनमिक्स जैसे हमारे स्पेस क्राफ्ट होते हैं इन सब के लिए इस्तेमाल होता है अब आपको बताते हैं क्या है समझो ठीक है तो विंड टनल्स क्या है तो विंड टनल्स आर डिवाइसेस यूज टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ एयर फ्लोस ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स इन दिस केस स्केल मॉडल्स ऑफ इसरो रॉकेट्स एंड स्पेस क्राफ्ट तो होता क्या है कि जो हमारे सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर से जैसे भाई हमारा रॉकेट यूं जाता है तो हवा जो होती है क्या होता है वो नीचे की तरफ बहती है हवाई जहाज यूं चलता है तो हवा क्या होता है ऊपर की तरफ बहती है आपने देखा होगा तो विंड का जो एयर है जो हमारी जो विंड है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है उसको स्टडी करने के लिए ये डिवाइसेस बनाई गई जिन्हें विंड टनल कहा जाता है द ट्राई सोनिक विंड टनल इज यूज टू स्टडी द एरोमिक्स बिहेवियर ऑफ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट सच एज एरोप्लेन्स आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स और मिसाइल्स इन थ्री स्पेस रिजाइम ठीक है तो सबसोनिक ट्रांसोनिक और सुपरसोनिक तो बेसिकली ये क्या करता है ये इफेक्ट ऑफ इसको पता करता है कि इसका इफेक्ट क्या है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है विंड टनल्स जो हैं तो बेसिकली जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हमारे होते हैं तो उनका एरोडाइनमिक बिहेवियर को स्टडी करता है और पूछा जा सकता है कि विंड टनल हमारे देश में कहाँ बनाया गया है तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में ठीक है चलिए ओके इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी क्या बात है भाई आज बड़ा इंटरेस्टिंग डे है आज अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ न्यूट्रलिटी है 12 दिसंबर को क्या बात है ठीक है हाँ जी भाई इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी इसका मतलब क्या है थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करो सो इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी का मतलब होता है एक ऐसी दुनिया जहां पर किसी तरह का को कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो भाई देखो कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो क्या बात है ऐसा कोई दिन हो सकता है जहां पर ऐसे कोई दुनिया बन सकती है जहां कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो ना आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो किसी तरह का कोई विवाद ना हो ठीक है तो इसे इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी कहते हैं सो so, ऐसा तो बेटा राम राज्य में हुआ करता था ठीक है सो इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी इज कॉमरेटेड ऑन दिसंबर बारह इट इज अ डे वेन पीपल लुक एट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्ल्ड फ्री ऑफ आर्म्ड एंड अदर टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो लोग एक ऐसी दुनिया को देख रहे हैं जहां पर किसी तरह का कोई विवाद ना हो द डे वॉज एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन दो हजार सत्रह इट्स फोकस वॉज ऑन एडवोकेटिंग एंड कैंपेनिंग फॉर इंट्रा स्टेट पीसफुल रिलेशन स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड सर्व एज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रैलिटी अब देखो क्या बात है अब यहां पर इसको समझिएगा तो स्विट्जरलैंड एक देश है आपको मालूम होगा स्विट्जरलैंड की अपनी खुद की आर्मी भी नहीं है और होता क्या है कि स्विट्जरलैंड का किसी देश के साथ कोई विवाद भी नहीं है भाई साहब ऐसा दिल खुश हो जाए सोचो तो, तो भाई साहब दिल खुश हो जाए कि एक ऐसा देश जिसका किसी देश के साथ कोई झगड़ा ना हो तो स्विट्जरलैंड कहा जाता है कि दुनिया के ऐसे देशों में शामिल है जिसका किसी के साथ कोई विवाद ही नहीं है भाई साहब वहां पर शाहरुख खान जो है पिक्चर करने जाता था है ना बहुत बढ़िया क्या डी -डी टाइप बहुत बढ़िया है ना तो इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रालिटी बनाया गया इसको यूनाइटेड नेशंस ने जो है जनरल असेंबली दो हजार में कहा और कहा ऐसे देश बनाओ जिसका किसी के साथ कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है किसी तरह का को कोई बवाला नहीं है ठीक है बहुत बढ़िया अब देखिएगा थीम क्या है वाइल्ड डे इज नो फिक्स्ड थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी द यूनाइटेड नेशन फोकसेज ऑन प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी विच इज द डिप्लोमैटिक एक्शन टेकन टू प्रिवेंट डिस्प्यूट फ्रॉम एक्सकेलेटिंग इन टू

पहले क्या हो रहा था बातचीत हो रही थी लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि बातचीत जो है उग्र रूप में आ गई और फिर भाई साहब युद्ध हो गया ऐसे ही होता है जैसे भारत पाकिस्तान है पहले बातचीत होती है फिर भाई साहब कोई चीज एस्केलेट कर देती है किसी मामले को तो इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी मतलब यूनाइटेड नेशन का कहना है कि हमें ऐसे सोल्यूशन की ओर बढ़ना चाहिए कि जिससे कोई विवाद विवेद, विवाद ना रहे और एस्केलेट ना हो मतलब चीजें बैठ के बातचीत से उलझाई जा सके इसी को लिए बनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ठीक है बहुत बढ़िया चलिए इन सब की कोई जरूरत नहीं है फालतू है नेक्स्ट ओहो oh 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 oh, भाई साहब कान खड़े कर का लो भाई साहब एनवायरमेंट आ गया है, फिर से. Category, क्या बात है भाई साहब क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मैटर है सबको मालूम है भाई साहब क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मैटर है सबको मालूम है यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं जो 2030 तक हमें पूरे करने हैं जिसमें 17 गोल्स हैं और उसमें क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मैटर है तो तमिलनाडु भारत का एक राज्य ऐसा है जिसने अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन निकाल दिया है बहुत अच्छी बात है आइए समझते हैं तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टेलिन लॉन्च द तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन रिसेंटली टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज इन द स्टेट बिसाइड रिस्टोरिंग देम ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस तमिलनाडु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन क्या बात है तो ये बन गया वेरी 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 वी क्वेश्चन अब आपको मालूम है वीवीआई का मतलब क्या है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला राज्य बना है भारत का जिसने अपना क्लाइमेट चेंज मिशन निकाला है सर एक जैन को एफ एग्जाम है उसका मीनस भी आई थिंक उसके बाद ठीक है बेटा बिल्कुल कराऊंगा टेंशन ना लीजिएगा ठीक है इट हैज लॉन्च द ग्रीन तमिलनाडु मिशन लास्ट सेप्टेंबर एंड द तमिलनाडु वेटलैंड मिशन दिस ऑगस्ट आई स्पेशल पर्पज व्हीकल द तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी टी एन जी सी सी विल इम्प्लीमेंट द स्टेट क्लाइमेट एक्शन प्लान तो इसके लिए उन्होंने कंपनी को भी चुन लिया है जिसका नाम है तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट ग्रीन क्लाइमेट कंपनी ठीक है हाँ जी तो टी एन जी सी सी तो तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी जो है यह नोडल एजेंसी होगी जो इस प्लान को लागू करेगी एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन तो ऐसा है जो एग्जाम में आना ही आना है ठीक है चलिए ठीक है तो यह याद रखिएगा अगला एनवायरमेंट भाई साहब मुझे लग रहा है कि यह क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है केरला सीड फार्म डिक्लेयर्ड एज इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म क्या बात केरला का सीड फार्म को डिक्लेयर किया गया भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म अब आप पूछोगे सर ये कार्बन न्यूट्रल फार्म क्या होते हैं कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या है भाई कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कि हमने सौ फॉर एग्जाम्पल हमने किसी हमने सौ मान लीजिए कि हमने हंड्रेड ग्राम फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल हमने हंड्रेड ग्राम कार्बन एमिट किया और हमने हंड्रेड ग्राम कार्बन जो है वो क्या कर लिया सोख लिया मतलब जितना एमिशन है उतना ही बेटा क्या है उतना ही हमारा उसे जो है हम एब्जॉर्प्शन भी है तो अगर एमिशन और एब्जॉर्प्शन कार्बन का बराबर है अभी क्या है कि कार्बन का एमिशन ज्यादा है अभी कार्बन का एमिशन ज्यादा है एब्जॉर्प्शन कम है लेकिन जब कार्बन का एमिशन और एब्सॉर्बेशन बराबर हो जाए तो उसे कार्बन न्यूट्रल कहा जाता है और केरला का सीड फार्म जो है उसे भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है ठीक है नेट जीरो तो केरला चीफ मिनिस्टर विजयन रिसेंटली अ सीड फार्म लोकेटेड इन अलुवा एज द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री सो यह अलुवा में स्थित है अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन कार्बन एमिशन हैज हेल्ड द सीड फार्म एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अचीव कार्बन न्यूट्रल स्टेटसट मेकिंग दीड फार्म है जो कि अलुआ में स्थित है इसे किया गया है टोटल फ्रॉम द फार्मकेटेड एट थ्रू टू इन अलूवा इन लास्ट वन ईयर वॉज फोर्टी थ्री टन बट इट ओवरऑल प्रोक्योरमेंट वॉज दो हजार तेरह टन ही सेट ठीक है हाजी बहुत बढ़िया तो अलुआ में है बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है कार्बन न्यूट्रलिटी मींस हैविंग अ बैलेंस बिटवीन एमिटिंग कार्बन एंड एब्जॉर्बिंग कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन कार्बन सिंक्स रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड देन स्टोरिंग इट इज नोन एज कार्बन सीक्वेंट्रेशन ठीक है अ पर्सन कंपनी और कंट्री इज कार्बन न्यूट्रल इफ दे बैलेंस द कार्बन डाइऑक्साइड दे रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू दे एक्टिविटीज विद द अमाउंट दे एब्जॉर्ब रिमूव फ्रॉम द एटमोस्फेयर तो भाई हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर में क्लाइमेट चेंज में कि भारत को भी हम जल्दी ही कार्बन न्यूट्रल कंट्री बना देंगे जल्दी बताओ हम सब बाई एवरी वन क्लास अच्छी लग रही है तो यार लाइक like बटन तो दबाते रहा करो कम से कम क्योंकि भाई आपको बताया कि मैं आपको नहीं देख पा रहा आप मुझे देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो लाइक like, खराब लग रहा है डिस बताइए जरूर क्लियर शाबाश मेरे बच्चों वेरी गुड वेरी 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 गुड आगे बढ़ते शैलेश बहुत बढ़िया ओके एक्स, एक्स वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू रिसीव एस आई ई एस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप क्या बात है सो तो हमारे देश के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट साहब अभी तो चेंज हो गए आपको मालूम है अभी हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट कौन हैं अभी हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर साहब हैं तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी एस आई ई एस तो साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी ने उन्हें पब्लिक लीडरशिप के लिए अवार्ड दिया वेंकैया नायडू एक बहुत बड़ा नाम है बेटा याद रखिएगा और साउथ इंडियन पॉलिटिक्स में बीजेपी को आ, कहते हैं ना बीजेपी का स्थान बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है खासतौर से आंध्र प्रदेश वाले एरिया में ठीक है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैज बीन कन्फर्ड विद्थ श्री चंद्रशेखर फॉर पब्लिक लीडरशिप अदर अवार्डीज इन वेरियस कैटेगरीज इंक्लूडेड द गवर्नर ऑफ केरला आरिफ मोहम्मद खान एमिनेंट इंडस्ट्रलिस्ट रतन टाटा रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट एंड पद्मण अवार्डी डॉक्टर डॉक्टर मार्थानंद वर्मा संकरन वलिथरन साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अजय सूद एंड फेमस हरि कथा आर्टिस्ट विशाखा हरी तो देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को अवॉर्ड दिया गया है तो एस आई ई एस अवार्ड दिया गया है जिसे आप कह सकते हैं श्री चंद्रशेखर श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड ठीक है तो काफी इंपॉर्टेंट है अब इसकी लिस्ट में आपको मैं दिखा देता हूं तो काफ़ी सारे लोगों को मिला है यहाँ पर एक सेकेंड आपको बता देता हूँ एक सेकेंड तो पब्लिक लीडरशिप में जो है बेटा हमारे वेंकैया नायडू साहब को मिला है इसके अलावा अदर कैटेगरीज़ में आप देखेंगे तो हमारे केरला के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं बहुत ही मशहूर हैं उसके अलावा हमारे एमिनेंट देश के बहुत ही फेमस रतन टाटा साहब हो गए हमारे देश के बहुत ही फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मारथंदा वर्मा साहब हैं, सब लोग इसमें शामिल हैं तो श्री चंद्रशेखर सरस्वती एमिनेंस अवार्ड ठीक है ये काफी है। आगे बढ़ते हैं वर इंस्टीट्यूटेड बाई साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी श्री चंद्रशेखर सरस्वती द अवार्ड इन फील्ड लीडरशिप कम्युनिटी लीडरशिप साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल थिंकर

तो फैक्ट बुक में क्या होते हैं फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए मैं रखता हूं ठीक है हाँ जी जल्दी बताओ हम्म ठीक है आगे फैक्ट <coughs> बुक को समझते हैं जरा तो ये देख सकते हैं यूएस प्रिंट्स फर्स्ट बैंक नोट्स विद वुमेन सिग्नेचर्स क्या बात है तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बैंक पहले बैंक नोट जारी किए जिसमें महिलाओं के सिग्नेचर हैं द यूएस द ट्रेजरी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फाइनेंस मिनिस्ट्री द फर्स्ट यूएस बैंक नोट्स विद टू वुमेन सिग्नेचर्स न्यू करेंसी नोट ऑफ वन एंड फाइव डॉलर वैल्यू कैरी द सिग्नेचर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी अमेरिकन फाइनेंस मिनिस्टर जैनेट येफ एंडगन ट्राइब हु पोजिशन ऑफ ट्रेजर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विदिपार्टमेंट ट्रेजरी यूनाइटेड States गवर्नमेंट ठीक है तो so, पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स के जो डॉलर्स हैं उस पर नोट्स पे जो एक डॉलर पांच डॉलर का नोट है उसपे दो महिलाओं का साइन है जिसमें यू जहां पर जो उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो ट्रेजरार हैं उनके साइन इस पे किए गए हैं ठीक है तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर है जेनेट येलेन और लिन मलेरबा लिन मलेरबा बेसिकली जो है वो बेसिकली क्या है वो ट्रेजरार हैं ठीक है इन दोनों के साइन है आगे देखिएगा इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे दो हजार बाईस क्या बात है इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ठीक है अब देखो बेटा क्या होता है ना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इज मार्ग

तो इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे अब दरअसल क्या है कि हेल्थ तो बेटा होनी चाहिए जैसे कहते हैं ना कि बेसिक एजुकेशन जैसे कहा जाता है ना कि प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए मतलब क्लास एट तक तो शिक्षा सबको मिलनी चाहिए ताकि जो बेसिक है ना वो हर चीज का क्लियर हो उसी तरह बेटा जो हेल्थ केयर है ना वो तो यूनिवर्सलाइजेशन उसका अनिवार्यता है मतलब हेल्थ केयर जो है ना धर्म जाति समुदाय के आधार पर नहीं होनी चाहिए ठीक है तो इसका जो थीम है बिल्ड द वर्ल्ड वी वॉन्ट अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल बहुत बढ़िया नेक्स्ट इसरो कंडक्ट हॉट टेस्ट ऑफ स्क्रैम जेट इंजन ठीक है हाँ जी देखिएगा इसरो ने एक स्क्रैम जेट इंजन का हॉट टेस्ट कंडक्ट किया है यह बस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एनी दूसरा हरून ग्लोबल 500 लिस्ट इंडिया रैंक फिफ्थ विथ ट्वेंटी कंपनीज यह भी काफी इंपॉर्टेंट है हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट आती है जिसमें भारत पांचवें नंबर पर है भारत की बीस कंपनियां हैं इंडिया विद ट्वेंटी मोस्ट वैल्यूबल कंपनीज इन द वर्ल्ड हैज द फिफ्थ अमंग द कंट्रीज दैट आर होम टू द वर्ल्ड टॉप फाइव हंड्रेड फर्म्स लास्ट ईयर इट रैंक नाइन विद एट कंपनीज दू एस कंटिन्यू टॉप द चार्टॉर्डिंग टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हुरून ग्लोबल फाइव हंड्रेड लिस्ट तो दुनिया की पांच सौ सबसे बड़ी कंपनियां हैं जिसमें पांच सौ सबसे बड़ी कंपनियों में भारत के पास बीस कंपनियां हैं ठीक है भारत दुनिया के पांचवें नंबर पर है जैसे यूएस सबसे बड़ा है ठीक है तो भारत की भी पांच कंपनियां इसमें शामिल हैं ठीक है ग्लोबली एप्पल रिटेन टाइटल अवेलेबल कंपनी इन द वर्ल्ड मार्केट कैप ये हो गया ठीक है ठीक है Chine, सबसे पहले नंबर पर यूएस है दूसरे पे चाइना है चाइना में पैंतीस कंपनियां हैं जापान में अट्ठाइस और यूके में इक्कीस इंडिया एंड कनेडा मूव टू द फिफ्थ प्लेस ट्वेंटी थ्री कंपनीज रिस्पेक्टिव ठीक है हां जी आगे बढ़ते हैं तो भारत पांचवें नंबर पे है कनाडा के साथ और दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी इस समय जो बताई गई है वो एप्पल है जिसकी मार्केट कैप 2.4 ट्रिलियन के आसपास है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट निकाली है सो रिन्यूएबल 2022 रिपोर्ट वो रिसेंटली रिलीज बाय इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन की फाइंडिंग रिपोर्ट आ रही

<coughs> उसके बाद यह बताया है कंप्राइज 90 परसेंट ग्लोबल इलेक्ट्रीज कैपेसिटी एक्सपेंशन इन नेक्स्ट फाइव एंड मच ऑफ इट विल बी इन इंडिया तो भारत में भी इसकी मांग बहुत ज्यादा है यह बताया है ठीक है आगे बढ़ते हैं बेंगलुरु इज सेट टू होस्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जी ट्वेंटी फाइनेंस ट्रैक ठीक है बैंगलुरु इज सेट टू होस्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जी ट्वेंटी फाइनेंस ट्रैक अंडर इंडिया जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी फिस्ट द फर्स्ट जी ट्वेंटी से पंद्रह दिसंबर तो तेरह से पंद्रह दिसंबर के बीच होगी पहली मीटिंग ऑफ जी ट्वेंटी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो सेंट्रल बैंक के जो हेड्स हैं सारे वो यहाँ पर होंगे ठीक है और बैंगलोर में होगी जी ट्वेंटी की फाइनेंस ट्रैक मीटिंग पूछा जा सकता है कहाँ हुई ठीक चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन आज का करेंट अफेयर्स हमारा खत्म हो गया बहुत बढ़िया अब भाई साहब अब होंगे क्या अब होंगे भाई साहब हमारे क्वेश्चंस चलिए इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कारपैड बिटवीन इंडियन नेवी एंड इंडोनेशिया नेवी वॉज फर्स्ट इनिशिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर जल्दी बताओ कॉरपैट एक्सरसाइज का थर्टी नाइन्थ एडिशन था तो उनतालीसवां एडिशन था हाँ जी जल्दी बताइएगा ठीक <coughs> है तो राइट आंसर है 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी बेटा ठीक है कॉरपैट इन रिसेंट एसेसमेंट थ्री मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज फाउंड इन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड माइस्ट्रोपिस पेलिटा प्लेटेरिया किरोसा Declosia, Hagria, या पाइनस रॉक्सबर्गी जल्दी बताइएगा कौन सा इसमें शामिल नहीं किया गया है कौन सा शामिल नहीं है जल्दी तो शामिल नहीं है पाइनस रॉक्सबर्गी इसमें शामिल नहीं है द न्यू ट्राइसोनिक विंड टनल रिसेंटली इनोग्रेटेड एंड इट्स फर्स्ट ब्लो डाउन टेस्ट कंडक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी सतीश धवन स्पेस सेंटर विक्रम सारा नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर दिल्ली बताइएगा ठीक है hmm. बिल्कुल सही है राइट right आंसर है विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर इंटरनेशनल डे इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी इज कॉमोरेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी कब होता है तो भैया ऐसे न्यूट्रल कंट्री बनो जिसका किसी के साथ कोई डिस्प्यूट ना हो 12 दिसंबर स्विट्जरलैंड को कहा गया बेस्ट एग्जांपल है फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट मिशन तो भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसने अपना खुद का क्लाइमेट मिशन लॉन्च कर दिया भाई साहब बिल्कुल सही है भारत का राज्य जिसने अपना खुद का क्लाइमेट मिशन लॉन्च किया है तमिलनाडु तो ये हो गया भैया हमारा करंट अफेयर्स आज का डन और ये है बच्चों आपकी एम वाइफ की ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो आज ही जाइए और एम वाइफ की ऐप को डाउनलोड करिए आप भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं लेकिन संसाधन के वजह से आप अपना सपना पूरा नहीं करिए तो बेटा घबराइए मत एक कदम बढ़ाइए है एम वाइफ आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले जाए और ये हमारी टेलीग्राम चैनल है यहां पर क्या है आपको अपडेट्स नोटिफिकेशन पीडीएफ सब मिल जाएंगे चलो आंसर बता देता हूं भैया मैंने पूछा था कि कौन सा देश समुद्री रास्ते से भारत से सबसे करीब है यस तो समुद्री रास्ते से सबसे करीब देश है भारत से इंडोनेशिया इंडोनेशिया समुद्री रास्ते से सबसे करीब अब आप कहोगे सर पागल हो गए आप कहोगे सर पागल हो गए सर क्या बोल रहे हो अभी दिखाता हूं तुम्हें देखो देखो बेटा ये है हमारा भारत ये है भारत यह है श्रीलंका और ये है इंडोनेशिया आपको मालूम है कि इंडोनेशिया क्या है बेटा दुनिया का सबसे बड़ा आकीपलेजो है आकीपलेजो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड इंडोनेशिया है 6,500 आइलैंड्स, ठीक है तो आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो इंडोनेशिया कहां से हो गया सर ये देखो सामने दिख रहा है यहां से हम निकले और ये श्रीलंका मात्र 80 किलोमीटर दूर है सर क्या बात कर रहे हो सबसे गरीब तो श्रीलंका है नहीं बेटा आंसर क्या है इंडोनेशिया बताऊं कैसे देखो ये भारत के आइलैंड्स हैं इनका नाम क्या है अंडमान और यहां पर एक आइलैंड है जिसका नाम है निकोबार ये देखिए अब निकोबार के आईलैंड बहुत दूर तक फैले हुए हैं यहां तक ये निकोबार का आइलैंड है यहां तक फैला है और इंडोनेशिया के आइलैंड तो बहुत दूर तक फैले हैं अब निकोबार के आइलैंड्स और इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स हैं तो हमारे अंडमान निकोबार का आइलैंड और इंडोनेशिया का जो पहला आइलैंड है इसके बीच में बेटा मात्र 43 किलोमीटर की दूरी है तो इंडोनेशिया और भारत के बीच मात्र तैतालीस किलोमीटर की दूरी है इसलिए इंडोनेशिया इज इस क्लोजेस्ट टू तो इंडिया तो इंडोनेशिया का जो सबसे सदन इधर सबसे इधर आओगे ना सबसे वेस्टर्न साइड में अगर इधर से देखो तो सबसे वेस्टर्न में तो इंडोनेशिया का जो सबसे दूर का आइलैंड है जो जावा टाइप है उसका जो सबसे लास्ट आइलैंड है और भारत में इधर से जाओगे तो निकोबार का सबसे आइलैंड उनके बीच में मात्र 43 किलोमीटर की दूरी है इसलिए विच कंट्री इज नियरेस्ट टू इंडिया फ्रॉम सी रूट द राइट आंसर इज इंडोनेशिया ओनली 43 किलोमीटर आई होप द आंसर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू मजा आया कि नहीं आया अब बताओ मजा आया कि नहीं आया मजा आया है तो यार एक बार जरा लाइक बटन जरूर चमका देना भाई थैंक यू इट वाज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर टीचिंग यू ऑल आई विल मीट यू टुमारो टिल देन डू टेक केयर ऑफ yourselves जय हिंद जय भारत एंड वंदे मातरम कीप ऑन वाइपिंग वी बिलीव इन